अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद अली शाह और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान व्लॉग चैनल। आज का जो व्लॉग है वो एक पार्क के हवाले से बनाया गया है। ये पार्क है जी जना बाग, जिसको पहले हम कंपनी बाग बोलते थे मगर अब इसको जना बाग बोला जाता है। तो आज हम आपको जना बाग की सैर करवाएंगे और मेरा साथ देंगे मेरे प्यारे भाई शहजाद अली भट्ट साहब। जावेद शाह साहब, शहजाद भट्ट साहब की कॉल आई कि आए कहीं पुरफिजा जगह पर बैठते हैं इकट्ठे, और हमने जो है बाग जना का इंतखाब किया। भट्ट साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, रजा साहब, और मैं आपका मशहूर हूँ और बिलखसूस जनाब जावेद शाह साहब जगह का तयन किया जना बाग। यहाँ पे बैठ के हम बहुत पुरसकून माहौल में बैठे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, रोजे रखे हुए हैं, और यकीन करें यहाँ का नज़ारा ही देख के, आबो हवा देख के, यहाँ की इतना खूबसूरत मनाजर, इतनी लश्करी ये जगह है, यानी कि देखा फैमिली भी आई, ये सारी देखें, ये सारे लोग ना सुकून के लिए आते हैं यहाँ पर, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, अच्छे माहौल में बैठना भी चाहिए तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी बढ़ती है। और इंसान देनी कैफियत के लिहाज से बिल्कुल पुरसकून महसूस करता है, जैसा कि हम कर रहे हैं। ये अच्छा व्यूअर्स, जनाब बाग की सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर नमाजियों के लिए एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मस्जिद बनाई गई है। इतने घने और ग्रीन दरख्त सरोसाबत किसी पार्क में आपको नहीं मिलेंगे, चैलेंज। यहाँ पर बात की जाए सफाई की, तो यहाँ पर सफाई का निज़ाम इतना उमदा और आरा है कि ये देखने के काबिल दी जाए। साफ सुथरी जगह, कोई कचरा नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ पकीजा माहौल है। ये जनाब बाग में लोगों की एक्सरसाइज के लिए बहुत ही प्यारी जगह मुख्तस की गई है। सबसे अच्छी और खूबसूरत बात, बच्चों के लिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, झूले भी हैं, और मैं भी एक बच्चा हूँ इस वक्त गाड़ी में बैठा हूँ, कैसा फील कर रहा हूँ ये मुझसे पूछ। अच्छा जी, जनाब बाग की खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर बैठने के लिए वसी तरीन इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर फैमिली आती है, अपने बच्चों को साथ लेके आते हैं, स्कूल के ट्रिप आते हैं, कॉलेज के ट्रिप आते हैं, और यहाँ इस वक्त जो टाइम है वो तकरीबन तो लोग वॉक के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत प्यारी कंटीन बनाई गई है, तो इसके अलावा यहाँ पर अगर आप इर्द गिर्द देखें बच्चों के लिए एक वसी झूले लगाए हैं, बच्चों की तफरी के लिए बड़ा अच्छा एहतमाम किया गया, इंतजाम किया गया है। अगर हम करो इतने हरे भरे दरख्त, घने दरख्त आपको किसी और पार्क में नजर नहीं आते। जो सबसे बड़ी बात है की हर तरफ खूबसूरती है, बच्चों की सहूलत के लिए यहाँ पर जो झूले हैं, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर आम आदमी, आम गरीब, आम लोग, उनके बच्चे भी ये सहूलत हलते हैं, कूदते हैं। ये जो पार्क है ये झूलों के लिहाज से मुनफरिद जगह है। जनाब बाग है ना, ये महकमा पीएचए के जेरे निगरानी है, ये इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने में महकमा पीएचए अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहा है। अगर यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ पर हजारों किस्म के फूल लगे हैं, यहाँ पर एक घने दरख्त हैं, तो इसकी जो निगहबानी की जा रही है, जो निगरानी की जा रही है, उसका अगर निज़ाम देखें तो वो मुझे बेहतर नजर आया है। पार्क और भी है शाह साहब, ये देखें इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जनाब बाग के अंदर का एक जंगल है,
ने छोटा सा जंगल बनाया हुआ है। चारों ओर देखने हम सेंटर में खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि हम छांगा मांगा के जंगल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सीन बना है, खूबसूरती है जी। मैं आपको बताता चलूं कि जनाब बाग में रूलर स्केटिंग ग्राउंड भी बनाया गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है जी रूलर स्केटिंग ग्राउंड बनाया गया है बच्चों के लिए जी। ओए हो क्या बात, राजा साहब थक तो नहीं गए? नहीं चौक लिया मोड़े आते नहीं नहीं, नहीं पार्ट क्या तो मैं हो जा सकते हैं। बाकी ये भी खसूसियात हैं कि इसके इर्द गिर्द सरकारी और प्राइवेट बहुत प्यारी इमारतें मौजूद हैं। तो यहाँ पर बोड़ा वाला ग्राउंड है, जो कि हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पर आके मैच खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये इस साइड पर चनाब क्लब है और इसके बिल्कुल नज़दीक प्रेस क्लब फैसलाबाद है, और इसके बिल्कुल करीब ही चंद कदम के फैसलाबाद डीसी ऑफिस फैसलाबाद है। तो अगर इस तरह है रजा भाई, ये चारों ओर ना ट्रैक लगा हुआ है वॉक के लिए। सबसे बड़ी बात है, सुबह को जब लोग आते नहीं यहाँ पे, ट्रैक की ज़रूरत नहीं है उनको बाहर कहीं ढूंढने की। सुबह सुबह आते हैं यहाँ, गाड़ियाँ लगाते हैं यहाँ, देखे ना ये ट्रैक दुनिया इस वक्त भी वॉक कर रही है। फिर सबसे बड़ी बात, सुबह को यहाँ पे एक हमारे दोस्त ही हैं सलीम साहब, सलीम साहब यहाँ पे योगा कराते हैं लोगों को, यहाँ पे योगा फैसलाबाद से जरूर। जिन लोगों को नहीं पता योगा का, वो जरूर आए सलीम साहब के पास, वो योगा में हिस्सा लें जी। सलीम साहब हमारे बहुत ही अच्छे प्यारे बड़े भाई हैं। जनाब बाग में एक बहुत खूबसूरत जहाज नसब किया गया है, जो कि ये जनाब बाग की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। शहरियों की सहूलत के लिए जनाब बाग के बाहर फ्री पार्किंग का स्टैंड बनाया गया है, जिसमें आप कार और मोटरसाइकिल फ्री में पार्क कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये था हमारा आज का व्लॉग, जो कि जनाब बाग की सैर के हवाले से, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बनाया गया था। इसमें मेरा साथ दिया था हमारे आम आदमी इत्तेहाद के सदर पूरम रजा साहब ने, ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के अल्हम्दुलिल्लाह ज़िले सदर हैं शहजाद बट साहब ने। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद है तो आपने इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है, शेयर लाजमी करना। तो अफ्तारी का टाइम होने जा रहा है, तो हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।